क्वेश्चन नंबर 19, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 इज। तो हमें इस गिवन एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लेट स्टार्ट। कंसिडर एफ एक्स, लेट एफ एक्स इक्वल 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2। पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 होता है, सो एक साइन स्क्वायर एक्स रहने देते हैं एंड टेक 3 कॉमन आउट ऑफ द ब्रैकेट, सो इट विल बी जस्ट 3 एंड साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 3 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2। हमें इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसकी मैक्सिमम तो इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू। अब कन्वेंशनल वे क्या है कि साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स बाई 2 की टर्म्स में लिख सकते हैं, इट इज 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब देन इट विल बी जस्ट अ इक्वेशन इन साइन एक्स बाई 2 एंड कॉस एक्स बाई 2, डिफरेंशिएट, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स एंड देन लुक फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, वेरी कंबरसम टास्क इट विल बी। लेकिन दूसरा तरीका है ऑब्जर्वेशन के थ्रू। एफ एक्स इक्वल 3 प्लस, वाला तरीका बहुत ज़्यादा लेंदी पड़ेगा एंड देर आर ऑल्सो चांसेज ऑफ एरर इन दैट वे, बिकॉज यू मे गेट इक्वेशन विच यू कैन नॉट सॉल्व डायरेक्टली विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर और ग्राफ। सो नाउ सी कि साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, दिस इज अ जनरल थिंग यू मस्ट नो कि साइन फॉर एन एंगल एल्फा, जस्ट कंसिडर ए जनरल एंगल एल्फा, साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा, एक कोई भी एंगल है अल्फा और साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा एक्सप्रेशन है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 2n पाई प्लस पाई बाई 4 पे अटेन होती है। 2n पाई प्लस पाई बाई 4, एन इज एन इंटीजर ऑब्वियसली, एन बिलोंग्स टू जेड, एंड जो उसकी मिनिमम वैल्यू होती है, दिस इज मैक्सिमम एंड दिस इज मिनिमम, ये अटेन होती है 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 4 पे। ये पता होगा कि साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा है और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 2n पाई प्लस पाई बाई 4 पे, साइन अल्फा भी 1 बाई रूट 2 होगा और कॉस अल्फा भी 1 बाई रूट 2 होगा, सो इट विल बी रूट 2, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज अटेंड। सो साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 जो इसका मैक्सिमम वैल्यू है वो कब अटेंड होगा, जब एक्स बाई 2 हो जाए पाई बाई 4 के इक्वल, एक्स बाई 2 इज जस्ट पाई बाई 4, यानी एक्स की वैल्यू पाई बाई 2। I have just taken n to be 0 for simplifications. You can take n arbitrarily. So x by 2 की वैल्यू जो pi by 4 होगी तो this expression will be maximized. यानी x equal pi by 2 पे sin x by 2 plus cos x by 2 ये मैक्सिमम होगा, और also हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि pi by 2 पे sin square x भी मैक्सिमम वैल्यू टेक करता है, यानी pi by 2 पे sin square x की वैल्यू भी 1 होती है, मैक्सिमम जो होती है वो pi by 2 पे ही होती है। सो दिस एक्सप्रेशन एज वेल एज दिस एक्सप्रेशन बोथ आर मैक्सिमम एट x इक्वल पाई बाई 2, सो इट मीन्स कि ये जो पूरा है इस पूरा ही मैक्सिमम तो कब अटेन होगा, जब x की वैल्यू पाई बाई 2 होगी, यानी x इक्वल पाई बाई 2 पे इस पूरे की मैक्सिमा होगी। सो क्लियरली एफ एक्स अटेन्स मैक्सिमा एट x इक्वल पाई बाई 2 एंड एफ मैक्स इक्वल 3 प्लस 1 प्लस रूट 2 4 प्लस रूट 2 ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर ये दोनों अलग अलग जगह अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करते तो हम ये वाली चीज़ नहीं लगा सकते थे, ये तभी लगा पाए क्योंकि दोनों ही पाई बाई 2 पे मैक्सिमम अटेन कर रहे हैं, यानी पूरे की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो पाई बाई 2 पे ही अटेन होगी। तो इन दिस वे यू विल सॉल्व इट जस्ट वेरी फास्ट, अदरवाइज अगर मैक्सिमा करना पड़े, डिफरेंशिएट करो, मैक्सिमा मिनिमा निकालना पड़े तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा एंड इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। तो दिस इज द बेस्ट वे टू डू दिस। ओके।